ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कोर्स. टुडे वी विल गोइंग टू सॉल्व अनदर न्यूमेरिकल व्हिच इज रिलेटेड टू द इमिटर बायस्ड कॉन्फ़िगरेशन, जो कि अभी हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया. उसकी इक्वेशंस को हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि हाउ दैट्स दोज इक्वेशंस आर. अब हम उसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एंड वी विल सी हाउ वी विल गोइंग टू सॉल्व. आई एम सॉल्विंग द न्यूमेरिकल फ्रॉम योर बुक, दैट इज 4.4. एंड इट सेज के हमारे पास एक अदद सर्किट बना हुआ है. आई हैव अ लिटिल लेस स्पेस ऑन द बोर्ड, तो इसलिए मैं पूरी क्वेश्चन नहीं लिख रही. आई एम जस्ट राइटिंग कि हमें फाइंड आउट क्या करना है और हमें सर्किट क्या गिवन है. ठीक है, सो सबसे पहले वी हैव हेयर इट्स 20 वोल्ट्स, दैट इज़ द वैल्यू VCC. यहाँ पे हमारे पास 2 किलो ओम्स का रजिस्टर लगा हुआ है. यहाँ पे हमारे पास 430 किलो ओम्स का रजिस्टर लगा हुआ है. आई एम जस्ट ड्राॅइंग इट फ्रॉम योर बुक. एंड यहाँ पे आपके पास जो है एक 1 किलो ओम्स का रजिस्टर है और एक अदद कैपेसिटर है. एंड बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर ग्राउंडेड. अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था, जितने भी कैपेसिटर्स अभी आप देख रहे हैं इनको इग्नोर कर दीजिएगा, बिकॉज जब हम AC एनालिसिस करेंगे तब ये काम में आएंगे. अभी ये राइट नाउ हमारे यूज़ में नहीं है. तो जो कैपेसिटर्स हैं वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, बट हम अभी सिर्फ DC एनालिसिस कर रहे हैं जहाँ पे कैपेसिटर से हमारा इतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं है. ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है. हमें IB फाइंड आउट करना है, हमें IC फाइंड आउट करना है, हमें VCE फाइंड आउट करना है, हमें VC फाइंड आउट करना है, हमें VE फाइंड आउट करना है, VB फाइंड आउट करना है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट VBC. तो ये अराउंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चीज़ें हैं जो कि हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वी विल फाइंड आउट IB. IB की इक्वेशन हमने अभी थोड़ी देर पहले जो है वो निकाली थी, विच वॉज सिंपली VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाय RB प्लस बीटा प्लस 1 RE. ये इक्वेशन कैसे आई थी, ये इक्वेशन इनपुट लूप को जब हमने KVL लगाया था तो उसको इस्तेमाल करने से आई थी. ओके, अब हम इसमें सबसे पहले VCC की वैल्यू लिख लेते हैं, दैट इज 20 वोल्ट्स. मैंने यहाँ 20 लिख दिया. VBE की वैल्यू इज 0.7, हमने यहाँ 0.7 लिख दिया. RB की वैल्यू इज दिस 430 जो बेस पे लगा हुआ है, हमने यहाँ पे 430 लिखा. प्लस बीटा की वैल्यू इज 50 गिवन टू अस, तो 50 प्लस 1 इज 51. एंड RE की वैल्यू इज 1 किलो ओम्स, तो मैंने यहाँ पे 1 किलो ओम्स लिख दिया. एक बात अपने जहन में रखिएगा, ये किलो बाज़कात कुछ रजिस्टर्स ओम्स में होते हैं, कुछ किलो ओम्स में होते हैं. तो डोंट थिंक कि आप या तो पूरा इसको किलो से ओम्स में कन्वर्ट करके सबको लिखें या फिर कंप्लीट उसको कैलकुलेटर में सॉल्व करें. ऐसा नहीं करिएगा कि आपने जो है वो आधी वैल्यूज किसी में की आधी किसी में की तो आंसर गलत आएगा. ठीक है, सो इस पूरे को जब हमने सॉल्व करेंगे तो IB की वैल्यू इज फाइंड आउट टू बी 40.1 माइक्रो एम्पेयर्स. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट वैल्यू जो कि हमें नजर आई है. नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है IC. आपको पता है IC किसके बराबर होता है, इट इज बीटा IB. बीटा इज इक्वल टू IC अपॉन IB. तो अब हमारे पास जो है वो बीटा IB हम करेंगे. बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 50, IB आपने अभी अभी फाइंड आउट किया 40.1 माइक्रो एम्पेयर्स, और आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यू विल बी हैविंग 2.01 मिली एम्पेयर्स. ठीक है, 40.1 माइक्रो एम्पेयर, इसको मैं माइक्रो यहाँ मेंशन कर देती हूँ, 0.1 माइक्रो एम्पेयर. जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो आपके पास आंसर आएगा 2.01 मिली एम्पेयर्स. तो अब हमने IB भी फाइंड आउट कर लिया है और IC भी फाइंड आउट कर लिया है. VCE फाइंड आउट करते हैं. VCE की इक्वेशन हमने अभी डेवलप की थी, दैट वॉज VCC माइनस IC RC प्लस RE, यही डेवलप की थी. VCC की वैल्यू क्या है, 20 वोल्ट्स. IC की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट कर ली, 2.01 मिली एम्पेयर्स. RC की वैल्यू हमारे पास जो है वो यहाँ लगी हुई है 2 किलो ओम्स, प्लस RE की वैल्यू इज 1 किलो ओम्स. आप इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 13.97 वोल्ट्स. ठीक है, सो वी हैव ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ VCE. नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू VC की. मैंने आपको बताया था कि इस जगह पे वोल्टेज फाइंड आउट कैसे करेंगे, सिंपली ये इसमें से ये माइनस करके. सो VCC माइनस IC RC. VCC की वैल्यू क्या है, 20.
आईसी की वैल्यू क्या है 2.01 मिली एम्पेयर्स, और आपके पास आरसी की वैल्यू कितनी है 2 किलो ओम्स। ठीक है, जब आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 15.98 वोल्ट्स। सही, सो वी हैव फाइंड आउट वी सी ई, वी हैव ऑल्सो फाइंड आउट वी ई। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है वी ई की वैल्यू। सही, सो लेट्स फाइंड आउट द वी ई वैल्यू। ओके, मैंने ये वाला पार्ट रब कर दिया है और जो चीज़ें फाइंड आउट कर ली थी वो मैंने ऊपर मेंशन कर दी है। ठीक है, नाउ वी आर लेफ्ट विद वी ई। तो वी ई जो है वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू आई ई आर ई के बराबर होता है, क्योंकि अभी राइट नाउ आपके पास जो है वो आई ई की वैल्यू जो है वो हमारे पास नहीं है, बट हमें ये पता है कि आई सी इज नियरली इक्वल टू आई ई। तो मैं यही वैल्यू यहाँ यूज करती हूँ 2.01 मिली एम्पेयर्स, और आर ई की वैल्यू कितनी है 1 किलो ओम्स। दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो आई गेट द वैल्यू 2.01 वोल्ट्स। ठीक है, आप वी ई ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप वी ई ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी वी सी ई फाइंड आउट कर लिया। तो वी सी ई इज इक्वल टू वी सी माइनस वी ई। वी सी ई की वैल्यू कितनी है 13.97, वी सी की वैल्यू कितनी है 15.98 माइनस वी ई। आप यहां से वी ई निकालेंगे तो 2.01 वोल्ट्स ही आपके पास आंसर आएगा। सो देर आर टू मेथड्स, वन मेथड इज दिस एंड सेकेंड मेथड इज दिस, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है वी बी। तो वी बी मैंने आपको बताया था कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने आपसे कहा था वी बी क्या है, यानी कि यहाँ बेस पे कितना वोल्टेज आ रहा है, दैट इज वी सी सी माइनस आई बी आर बी। तो मैंने कहा वी सी सी माइनस आई बी आर बी। वी सी सी की वैल्यू क्या है 20 वोल्ट्स, आई बी की वैल्यू कितनी थी 40.1 माइक्रो एम्पेयर्स, और आर बी की वैल्यू कितनी है 430 किलो ओम्स। जब हमने इस पूरे को सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आएगा वी बी का, दैट विड बी 2.71 वोल्ट्स। ठीक है, सो दिस इज वी बी, एंड फाइनली वी नीड टू फाइंड द वी बी सी। तो अब वी बी सी इज दैट बेस से कलेक्टर, अब ये हमें कुछ नया लग रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला है, जब कोई चीज समझ में नहीं आए तो इसको ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक करने के बाद हमने क्या किया, वी बी माइनस वी सी, वी बी की वैल्यू क्या आई है 2.71 वोल्ट्स, और वी सी की वैल्यू क्या आई है 15.98 वोल्ट्स। इनको आप आंसर निकालेंगे माइनस 13.27 वोल्ट्स। ठीक है, तो अब आपके जहन में आएगा हम इसके माइनस साइन क्यों आए, ये इसलिए आए हैं बिकॉज ऑफ द रिवर्स बायस जंक्शन। बेस से कलेक्टर जो है वो रिवर्स बायस्ड होती है, बेस से इमिटर इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड बेस से कलेक्टर इज रिवर्स बायस्ड। ठीक है, तो इसलिए ये माइनस साइन इज कमिंग हियर। ठीक है, सो इस तरीके से हमने अपनी सारी चीज़ें जो हमें फाइंड आउट करनी थी, आई बी आई सी वी सी ई वी सी एंड ऑल दैट स्टफ, हमने वो पूरा का पूरा सॉल्व आउट कर लिया है और हमारे पास सारे के सारे आंसर्स जो हैं वो आ चुके हैं। ठीक है, तो आपके पास ये इस तरीके से न्यूमेरिकल आएगा। अब अगर आपके एक एग्जाम्पल आपकी बुक में 4.5 है, एग्जाम्पल नंबर 4.5, वो आपका काम है कि आपने खुद करना है, उसमें वो कुछ भी नहीं कर रहे, सिंपल बीटास की उन्होंने दो डिफरेंट वैल्यूज ली हैं, 4.5 आपका होमवर्क है। ठीक है, उसमें वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो आपके पास उन्होंने डिफरेंट वैल्यूज ली हैं बीटा की, और उन वैल्यूज से वो कंपेयर कर रहे हैं कि अगर रजिस्टर नहीं होता तो ये आंसर्स क्या आएंगे, और अगर रजिस्टर लगा हुआ है तो ये आंसर्स क्या आएंगे। बस सिर्फ ये बात हो रही है। ठीक है, उन्होंने ये चीज एक्सप्रेस की है, उन्होंने चार कैलकुलेशन एक्चुअली की है। एक कैलकुलेशन उन्होंने 50 लेके किया है विद द रजिस्टर एंड 50 लेके विदाउट द रजिस्टर। ठीक है, फिर उन्होंने बीटा की वैल्यू चेंज किए 100 किए और रजिस्टर लेके सॉल्व किया है, फिर रजिस्टर को हटा के सॉल्व किए। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने कंपेयर किया कि जो हमने पहले पढ़ा था फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन और जो हम अब पढ़ रहे हैं अपनी एमिटर बायस कॉन्फ़िगरेशन, तो इससे अगर मैं बीटा चेंज करी तो इफेक्ट क्या आ रहा है वैल्यूज के अंदर। तो ये सिंपल आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन होगा, आप उसको सॉल्व करिए और अंडरस्टैंड करिएगा ताकि उसको समझ में आ जाए। इसके अलावा हम एक आध एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं, दैट इज एग्जाम्पल 4.6, वो थोड़ी डिफरेंट है, वो आई वॉन्ट कि वो मैं खुद करवाऊँ आपको, एंड वी विल ऑल्सो गोइंग टू डू 4.7। तो अब हम चलते हैं 4.6 पे। फॉर 4.6 क्वेश्चन आपका ये है, डिटरमिन द सेचुरेशन करंट, आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, और नेटवर्क आपके पास कुछ इस तरीके से गिवन है,
4.4 कहाँ गया. ओके नेटवर्क आपके पास वही सिमिलर है दैट वाज हैविंग 1 kΩ आपके पास यहाँ है. यू हैव 2 kΩ 20 volts एंड यहाँ पे आपके पास एक अदद 430K का रजिस्टर लगा हुआ है. जो हमारा पुराना नेटवर्क था वही हम यूज़ कर रहे हैं. एंड दे हैव आस्क्ड अस टू कैलकुलेट द सैचुरेशन करंट VI. ठीक है दिस इज ग्राउंडेड. ओके सैचुरेशन करंट निकालने के लिए हमारा मतलब क्या होता है, हमें ये बात पता है सैचुरेशन करंट के लिए हम शॉर्ट सर्किट कंडीशन आ जाती है. ठीक है देन इट इज़ अ सैचुरेशन करंट. तो दैट मीन्स ये वाला रीजन और ये वाला रीजन आपस में हो गया है शॉर्ट सर्किट. ठीक है तो इसका मतलब है कि IC की वैल्यू क्या होगी इस जगह से गुजरते वक्त आउटपुट के ऊपर, VCC डिवाइडेड बाय RC प्लस RE. ठीक है VCC की वैल्यू क्या है 20, RC की वैल्यू क्या है 2 kΩ, RE की वैल्यू क्या है 1 kΩ. सो ऑल टुगेदर व्हेन यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन तो आपका आंसर आएगा 6.67 मिली एम्पेयर्स. सो दिस इज द सेचुरेशन वैल्यू ऑफ दिस सर्किट ऑफ दिस आपको जो गिवन है. सेचुरेशन का मतलब क्या है कि आपकी ये दोनों पॉइंट्स आपस में शॉर्ट सर्किट हो गए. और अगर मैं आपसे कहूँ कट ऑफ करंट निकालें तो दैट मीन्स दीज टू पॉइंट्स हैव बीन ब्रोकन, हमने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया है. ठीक है सो दैट विल बी द कट ऑफ पॉइंट. सेचुरेशन का मतलब है कि दोनों आपस में शॉर्ट सर्किट हो गए. शॉर्ट सर्किट हो गए तो इसका मतलब है ये सर्किट कैसे नजर आ रहा है, ये सर्किट सिंपल बन गया ऐसे. ये 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, पहले इसमें RC लगा हुआ है जो कि 2 kΩ के बराबर है, फिर शॉर्ट सर्किट है, फिर आपके पास 1 kΩ का रजिस्टर है, फिर आपके पास ग्राउंड है. यानी कि इस तरह दिस सर्किट बिहेव समथिंग लाइक दिस. तो अब मैं आपसे कहूँ कि सर्किट में करंट कितना है तो आपने इसको सिंपली आप क्या करेंगे, आप कहेंगे दो रजिस्टर्स लगे हुए सीरीज में तो इनको ऐड कर दो 2 kΩ प्लस 1 kΩ. ऐड करने के बाद वोल्टेज की सोर्स से डिवाइड कर दो तो यू विल हैव अ सैचुरेशन करंट. ठीक है करंट तो ऐसे ही मालूम करते हैं, सैचुरेशन के लिए हमने ये वाली कंडीशन लगा दी है. सो दिस इज 4.6 न्यूमेरिकल. नाउ वी विल गोइंग टू सॉल्व 4.7. ओके 4.7 न्यूमेरिकल फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन आपके सामने एक डायग्राम बनी हुई है. लेट मी मेक दैट डायग्राम फर्स्ट. RB है, वी विल आर हैविंग हेयर VCC विच इज इक्वलेंट टू 18 volts. ठीक है एंड यू हैव हेयर RC जो कि 2.2 kΩ है. और एक आपके पास जो है यहाँ से RE की वैल्यू लगी हुई है विच इज 1 kΩ एंड ठीक है ये आपके पास सर्किट गिवन है. इसी सर्किट के साथ एक अदद आपको गिवन है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स भी गिवन है. ठीक है एंड व्हाट इज दैट कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स लेट मी ड्रॉ हेयर. वो कुछ इस तरीके से गिवन है. यू नो दैट किस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं. हेयर वी हैव VCE एंड हेयर वी हैव IC. ठीक है तो अब अगर हम इसको रखते हैं तो वी विल हैव हेयर 0, 1, 2. क्वेश्चन में आपको ये कर्व गिवन है 4, 5 एंड 6. और यहाँ पे वी हैव 5, 10, 15 एंड 20. ठीक है बीच में आपको बेस करंट्स गिवन हैं दैट इज समथिंग लाइक दिस. एक आपको 0 μA गिवन है, देन 1 के पास से गुजरता हुआ आपके पास 5 μA है. ठीक है यू हैव 2 के नियरली आपके पास जो है वो 10 μA है. यू हैव 15 μA. यू हैव 20 μA, 25 μA एंड लास्ट इज 30 μA. ठीक है ये आपको कंप्लीट एक अदद कर्व और ये सर्किट गिवन है. पहला पार्ट है ये, मैं आपको क्वेश्चन नहीं लिख रही वरना फिर आंसर लिखने की जगह नहीं रहेगी. पहला इसके 4 पार्ट्स हैं. ठीक है पहला पार्ट ये कह रहा है ड्रॉ द लोड लाइन फॉर द नेटवर्क ऑफ फिगर 4.26 ऑन द करेक्टरिस्टिक फॉर द ट्रांजिस्टर अपियरिंग. आपने इसका ये बनाना है. ठीक है तो आपने को मैंने इक्वेशन बताई थी कि आपके पास इक्वेशन क्या थी. आपके पास इक्वेशन थी VCE इज इक्वल टू
वीसीसी माइनस आईसीआरसी माइनस आईसीआर, ये इक्वेशन हम ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं। मैंने आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक कर्व में हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम इस आउटपुट इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं एंड वी पुट दिस वैल्यू एज जीरो। जब मैंने इस वैल्यू को जीरो पुट किया तो मेरे पास यहाँ आ गया जीरो वीसीसी माइनस आईसीआरसी आईसीआरई। अब मैं अगर आईसी की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहूँ तो दैट विल बी वीसीसी डिवाइडेड बाय आरसी प्लस आरई। वीसीसी इज 18 वोल्ट्स, 2.2 के प्लस 1 के इज इक्वल इन टू, जो आपका आंसर निकलेगा दैट वुड बी 5.45 मिली एम्पेयर्स। इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ कहीं ये पॉइंट आएगा, दिस इज इन मिली एम्पेयर्स। ठीक है, तो ये आपके पास पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या चीज़ सिखाई थी, आप इसमें आईसी को जीरो करेंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज टू जीरो द आईसी, सो लेट्स जीरो द आईसी ताकि हम अपना नेक्स्ट पॉइंट निकाल सकें। अगेन मैं अपनी वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को इस्तेमाल करूंगी, दैट इज वी सी ई वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस आई ई आर ई। आई विल पुट दिस जीरो एंड आई विल पुट दिस जीरो बिकॉज आई ई और सी बराबर है, तो मैंने दोनों को जीरो कर दिया। सो दिस विल बी वी सी ई इज इक्वल टू वी सी सी विच इज इक्वल टू 18 वोल्ट्स। इसका मतलब है ये पॉइंट कहीं यहाँ आएगा। सेम मेथड है जो हमने पहले इस्तेमाल किया था। नाउ यू विल ज्वाइन दीज टू लाइन्स टूगेदर समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ओके, दिस इज योर पार्ट पार्ट ए। ओके, नाउ वी विल कम टू द पार्ट बी। फॉर अ क्यू पॉइंट एट द इंटरसेक्शन ऑफ द लोड लाइन विद द बेस करंट 20 माइक्रो एम्पेयर, 20 माइक्रो एम्पेयर में जहां इसने इसने क्रॉस किया है क्यू पॉइंट को, आपने वहां से वी सी ई और आई सी निकालना है। तो हमारे केस में 20 माइक्रो एम्पेयर की जो लाइन है वो क्रॉस हो रही है समवेयर ओवर हेयर, तो इसका मतलब है कि दिस इज सम पॉइंट। तो ये कितना आ रहा है, दिस इज 4 के करीब यहाँ पे आ रहा है करंट, तो मैं कहूँगी कि आई सी क्यू की वैल्यू जो है वो 4 है। और अगर मैं वी सी सी के लिए नीचे जाऊँगी तो आई विल हैविंग द वैल्यू ऑफ अराउंड 4 समथिंग अगेन, सो दिस विल बी 4 मिली एम्पेयर्स एंड 4 वोल्ट्स। ठीक है, अब मैंने आपको ये वैल्यूज अगर आप अपनी बुक से चेक करेंगे तो ये वैल्यूज डिफरेंट आएंगी बिकॉज मैंने जो कर्व बनाया उससे ये वैल्यूज आ रही हैं। आपको पेपर में कर्व मिलेगा या एग्जाम में कर्व मिलेगा, आपकी जो वैल्यूज आएंगी आप उधर से दिखेंगी। आपने पॉइंट लेना है, पॉइंट को नीचे लेके जाना है वर्टिकली, जहां वी सी ई से मिलेगा वो पॉइंट नोट करना है। ठीक है, और जहां ये करंट एक्सेस से मिलेगा आपने वो पॉइंट नोट करना है, जो भी आपका यहाँ पे पॉइंट आ रहा है वो वाला पॉइंट यहाँ पे नोट करना है। तो मैंने ये अभी नोट किया तो मेरे पास ये आ रहा है। आप अगर फॉर्मली बुक वाला फॉलो करेंगे तो यू हैव सम डिफरेंट वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हमने रफ ग्राफ बनाया है। सो दिस इज पार्ट बी। पार्ट सी इज सेइंग कि आप डिटरमाइन करें बीटा इस सिस्टम का। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू क्या होती है, बीटा की वैल्यू होती है आई सी अपॉन आई बी, यही होती है। तो अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे आई सी की वैल्यू एंड आई बी की वैल्यू। आई सी आपने अभी फाइंड आउट किया है 4 मिली एम्पेयर है, जो भी आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो डिवाइडेड बाय बेस करंट। बेस कितना है 20 माइक्रो एम्पेयर्स, आपने यहाँ पे 20 माइक्रो एम्पेयर्स लिखा एंड यू विल गेट सम वैल्यू अराउंड, जो भी आपकी एक्स वाई जी वैल्यू आ रही है आप वो वाली वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, ओके, सो ये हमने रिजल्टेंट वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अगर आपकी अच्छा आपकी बुक में इसमें गलती हुई हुई है, उन्होंने इसको 15 माइक्रो एम्पेयर्स पे पॉइंट लिया हुआ है और यहाँ पे 15 से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, बट क्वेश्चन में दे आर आस्किंग अबाउट 20 माइक्रो एम्पेयर्स, तो मैंने 20 से लेके सॉल्व कर दिया है। आपकी मर्जी है, अगर आप क्वेश्चन में जो लिखा होगा वही करिएगा। बुक में उन्होंने आई डोंट नो व्हाई 15 से सॉल्व करके उन्होंने उस चीज़ को कर दिया है, तो मैंने क्योंकि क्वेश्चन पढ़ा था मैंने आई वॉज नॉट लुकिंग एट आंसर्स, तो स्लाइटली हमारे आंसर्स डिफरेंट आ रहे हैं बुक से। तो आप जो भी इसका आंसर आएगा 4 डिवाइड बाई 20 वो आपकी बीटा की वैल्यू होगी। ठीक है, तो अभी मैं राइट नाउ एज्यूम ये कर लेती हूँ फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी कि हमने आई सी क्यू जो फाइंड आउट किया है वो हमने फाइंड आउट किया है टू बी एग्जैक्ट 3.3 मिली एम्पेयर्स, और जो बीटा है वो हमने लिया हुआ है क्या वैल्यू आई थी बीटा की 220 आई है एज पर आपके बुक की, और आई बी क्यू की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 15 माइक्रो एम्पेयर्स। ठीक है, तो ये इन्होंने वैल्यूज इनकी आई हुई कैलकुलेटर, तो मैं ये वाली वैल्यूज इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ बिकॉज इन्होंने 15 माइक्रो एम्पेयर से पॉइंट लिया, मतलब 15 पे हमारा भी 3.3 आ रहा है और 7 ही पॉइंट आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये वाला पॉइंट ले लूँ तो ये पॉइंट 3.3 और 7 ही आ रहा है,
ठीक है, तो हमारी बुक वाली वैल्यूज ही आ रही है, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने 20 मेंशन किया हुआ था, तो इनिशियली इसलिए हमने पहले 20 वाला पॉइंट ले लिया, सही है। तो इट्स डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, जस्ट फोकस ऑन द मेथड, मेथड आपका यही रहेगा। नेक्स्ट पार्ट डी क्या कहता है इसके अंदर, पार्ट डी ये कह रहा है कि अब आपके पास ये सब कुछ फाइंड आउट करने के बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ आर बी। तो आर बी इज एन इनपुट साइड, तो मैं इनपुट की इक्वेशन लिखूंगी, दैट इज आई बी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस बी बी ई डिवाइडेड बाई आर बी प्लस बीटा प्लस वन आर ई। अब जो जो वैल्यूज हमारे पास हैं, लेट्स पुट दोज वैल्यूज। आई बी की वैल्यूज इज 15 माइक्रो एम्पेयर्स, ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले 15 माइक्रो एम्पेयर्स लिखेंगे इज इक्वल टू माइक्रो एम्पेयर इज इक्वल टू फी सी सी की वैल्यू 18 गिवन है, वी बी ई की वैल्यू इज 0.7, ठीक है। फिर आपके पास आर बी की वैल्यू जो है वो कितनी आई है हमें फाइंड आउट करनी है, बीटा प्लस वन हो जाएगा 221, ठीक है, और आर ई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1 किलो ओम्स। ठीक है, आपके पास 18 माइनस 0.7 आर बी प्लस 20 प्लस 221 इंटू 1 किलो ओम्स। अब आप इस पूरी क्वेश्चन में सिर्फ एक ही अननोन है आर बी, बाकी सब कुछ गिवन है। यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर बी एंड इट विल कम आउट टू बी कितनी आएगी भाई, 910 किलो ओम्स। ठीक है, सो यही आपके पास बुक में तीन या चार एग्जाम्पल्स थी इस एमिटर बायस कॉन्फ़िगरेशन की। हमने सारी एग्जाम्पल्स सॉल्व कर ली हैं, एक मैंने आपको होमवर्क दिया, जो मुश्किल वाली थी वो मैंने आपको तीनों करा दी हैं। इसके साथ साथ जो है आपका जो आप जो बुक से सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। लेट मी सी द विच एग्जाम्पल्स आप सॉल्व गाइस कैन सॉल्व इजीली फॉर एमिटर बायस कॉन्फ़िगरेशन। इमिटर बायस कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप 6, 7, 8, 9, 10, दीज आर सम एग्जाम्पल्स जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 6, 7, 8, 9 एंड 10 ये आपके पास चैप्टर नंबर 4 की एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई टू सॉल्व दीज एग्जाम्पल्स, ठीक है। 11 छोड़ दीजिएगा, 11 थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रही है, जस्ट सॉल्व 6, 7, 8, 9, 10, ये आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे विद दीज हेल्प ऑफ दीज न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, दैट्स इनफ फॉर दिस वीक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दूसरी कॉन्फ़िगरेशन वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन के साथ जो है वो हम दोबारा से यही सारा काम करेंगे। टिल देन कोई मसला होगा यू गाइस कैन आस्क इन योर लाइव सेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।